एक सियासी घमासान है जो भारत में ही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर घाटी में हुआ, इस पर केंद्रीय मंत्री सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर। यह कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन। यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने 1992 में संगीनों के जब आतंक का साया था तब उन्होंने वहां तिरंगा फहराया था, उस खराब परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन। राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ कड़े प्रश्न आज पूछे हैं। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने न केवल श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराया बल्कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी तिरंगा फहराया, और कुछ समय पहले योगेंद्र यादव का एक बयान भी आया कि कश्मीर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि कश्मीर की जो स्थिति 1950 से 2019 तक थी उसके लिए जिम्मेदार कौन। बड़ा प्रहार अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर। हालांकि दूसरी तरफ 2011 में युवाओं को पीटा गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन। आपको ध्यान होगा 2010 में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई थी, 2010 में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी श्रीनगर में और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और आज उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक साथ ही इस यात्रा का हिस्सा भी थे। तो अनुराग ठाकुर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस समय जो युवाओं को पीटा गया उसके लिए जिम्मेदार कौन था।